चार में से एक इंसान अगर अपना वेट लॉस करना चाहता है तो उसका वन ऑफ द मेन रीज़न होता है तो ये वीडियो आप लिए बहुत ही है, होने वाला है ही बस आपके हिप फैट को कम करने में बल्कि उसको टोन डाउन करके एक अच्छा शेप में लाने में ताकि आप कोई भी ड्रेस पहनो आप बिल्कुल ही अट्रैक्टिव दिखो तो वीडियो का अभी भी कभी शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो लोग अपने हिप फैट को कम करना चाहते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग

पूरा पीछे की तरफ खोलिए आगे की तरफ लाओ पूरा पीछे की तरफ खोलो जब खोल रहे हो तो ग्लूट्स को अच्छे से स्क्वीज करो देन पूरा अंदर की तरफ लाइए देन पूरा पीछे की तरफ जाके स्क्वीज़ कीजिए अंदर की तरफ लाइए पूरा पीछे की तरफ ला के स्क्वीज़ कीजिए सेम चीज़ आपको अपोजिट लेग से भी करना है बॉडी को इस तरीके से खोलो सामने की तरफ नी को बेंड करो पूरा पीछे की तरफ स्क्वीज़ करो आगे लाइए नी बेंड पूरा पीछे की तरफ स्क्वीज आगे लाओ बेंड पूरा पीछे की तरफ स्क्वीज़ ऐसे करके गायज आपको ये वर्कआउट को परफॉर्म करना है किलर वर्कआउट है आपके ग्लूट्स को टोन डाउन करके एक अच्छा शेप मिलाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है कितना करना है तो पंद्रह का रेपिटेशन करना है एक लेग से सेम आपको दूसरे लेग से भी करना है एंड इसके टोटल आपको लगाना है चार सेट्स सो वाइज हमारा जो नेक्स्ट वर्कआउट है जो हमारे हिप फैट को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है उसका नाम है स्कॉट प्लस साइड लेग रेजेस ये बहुत किलर वर्कआउट है जो आपके सेटल बैक को भी कम करके टोन डाउन करने में अमेजिंगली हेल्प करता है कैसे परफॉर्म करना है आइए सीखते हैं सबसे पहले स्कॉट का पोजिशन जान लेते हैं तो आपके शोल्डर के विथ में आपका लेग का रहेगा टोज हल्का सा बाहर की तरफ आपको खोलना है चेस्ट को अप कर लेना है बैक आपका आर्च हो जाएगा फुल डीप जाके स्कॉर्स परफॉर्म करना है ऊपर आके साइड लेग को लिफ्ट करना है क्या क्या मैंने स्कॉट परफॉर्म किया ऊपर आके साइड लेग को लिफ्ट किया नीचे जाके स्कॉट परफॉर्म ऊपर आके साइड लेग को लिफ्ट करना है नीचे जाओ स्कॉट्स परफॉर्म साइड लेग को लिफ्ट करना है अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको थोड़ा सा बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो सकता है स्कॉट उनसे नहीं होता है तो सिंपली आपको वॉल का सपोर्ट ले लेना है सिंपली वॉल का सपोर्ट लेके पोजिशन में खड़े हो जाओ स्कोट परफॉर्म करो आराम से ऊपर आओ साइड लेग को लिफ्ट कर लो नीचे जाओ स्क्च परफॉर्म ऊपर आके साइड लेग को लिफ्ट करना है स्कॉच परफॉर्म ऊपर आओ साइड लेग को लिफ्ट करो इस तरीके से भी गाइज आप ये वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो कितना करना है तो ट्वेंटी का रेपिटेशन रखना है टोटल आपको इसके लगाना है चार सेट ये एक्सरसाइज आपको अमेजिंगली हेल्प करेगा आपके हिप फैट को कम करने में लेकिन अक्सर ऐसा होता है हम लोग अच्छे से वर्कआउट करते हैं डाइट भी करते हैं फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता ऐसा क्यों होता है ये इसीलिए होता है क्योंकि जब भी हम लोग वेट लॉस करना शुरू करते हैं हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है जैसे स्लो डाइजेशन होना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्लो मेटाबॉलिज्म का हो जाना ये सारे केसेस में आप ट्राई कर सकते हो बैदनाथ वंसर का त्रिफला एंड आंवला जूस जो कि मैं भी बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत अमेजिंगली हेल्प करता है साथ ही साथ ही आपके डाइजेशन इश्यूज़ को ठीक करता है आपके वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है आपके एपेटाइट को कंट्रोल रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है साथ ही साथ ये आपके कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ दिलाता है इसके साथ साथ ये आपके हेयर फॉल को कम करके आपके स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है अगर इसके की इन्ग्रीडियंट्स की बात कर ली जाए तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं

जूस में भी कर सकते हो आमला जूस में भी कर सकते हो सो बेटर डाइजेशन एंड वेट मैनेजमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन कर तो so, करना है आइए सीखते हैं सबसे पहले साइड प्लैंक है तो आपको साइड वे से इस तरीके से आपको लेट जाना है लाइक like दिस ये पोजिशन में आपको रहना है इस तरीके से और कमर पे आपको हाथ रख लेना है एंड यहाँ पर आपको अपने लेग्स को लिफ्ट करना है लाइक like दिस जब आप ये लिफ्ट कर रहे हो तो आपके ये सेडल बैग्स को भी कम करने में हेल्प करेगा आपके इनर थाइस में भी आएगा एंड साथ ही साथ ये आपके ग्लूट्स में भी आएगा तो ये अमेजिंगली आपको हेल्प करने वाला आपके लोअर बॉडी को कम करके टोन करके एक अच्छा शेप में लाने में ताकि आप कुछ भी पहनोगे आप एकदम अमेजिंग लगने वाले हो सेम चीज़ आपको अपोजिट साइड से भी कर लेना है इस तरीके से प्लैंक वाले पोजीशन में आ जाना है लेग आपको स्ट्रेट रखना है कमर पे हाथ रखना है लेग को साइड से लिफ्ट करना है स्लोली गो डाउन ऊपर जाना है देन स्लोली गो डाउन स्ट्रेट ऊपर जाएंगे देन स्लोली गो डाउन स्ट्रेट ऊपर जाएंगे देन स्लोली गो डाउन जब ऊपर जा रहे हो तो ये पूरा एरिया आपका स्क्वीज इन हो रहा होगा

तरीके से और एक लेग को आपको लिफ्ट करना है एंड पूरे ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए अपलिफ्ट करना है लाइक like दिस स्क्वीज करेंगे सामने की तरफ देन स्लोली गो डाउन ऊपर आके स्क्वीज किया होल्ड देन स्लोली गो डाउन ऊपर आके ग्लूट्स को स्क्वीज किया होल्ड देन स्लोली गो डाउन ऊपर आके स्क्वीज किया होल्ड

स्लोली गो डाउन इस तरीके से गए आपको इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है दोनों लेग से आपको पंद्रह पंद्रह बार एक, एक बार अपलिफ्ट करके होल्ड करके परफॉर्म करना है कितना करना है तो पंद्रह पंद्रह का टोटल आपको लगाना है चार तो चलिए नेक्स्ट वर्कआउटर बहुत किलर वर्कआउट है इसे कैसे परफॉर्म करना है आइए सीखते हैं सबसे पहले आपको हाथ से इस तरीके से दो बित नाप लेना है चेस्ट के अपोजिट हाथ रखना है एक पैर को पीछे की तरफ खोलना है सामने की तरफ देखना है ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करना है देन स्लोली चले जाना है लेकिन फ्लोर पर टैप नहीं होगा ऊपर ले गए नीचे स्लोली लेके आना और ये चीज थोड़ा सा फास्ट मोशन और कंटिन्यूस मोशन में करना है लाइक दिस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पूरे ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए ऊपर नीचे ऊपर नीचे सेम चीज़ आपको अपोजिट लेग से भी करना है पैर को स्ट्रेट खोलना है सामने की तरफ देखना है ऊपर नीचे ऊपर नीचे पूरे ग्लूट्स को आपको स्क्वीज करना है लाइक दिस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत किलर वर्कआउट है आपके पूरे ग्लूट्स को यहाँ पर इंगेज कर होता है ये आपके हेयर हेयरफेट को कम करके टोन करके एक बहुत सेक्सी फिगर लाने में हेल्प करता है कितना करना है तो दोनों लेग से पंद्रह पंद्रह करना है टोटल इसके लगाना है आपको चार सेट्स तो so, चलिए करते गए क्यों क्योंकि ये आपके पूरे ग्लूट्स को इंगेज करके उसको टोन डाउन करने में अमेजिंगली हेल्प करता है कैसे परफॉर्म करना है आइए सीखते हैं नॉर्मल स्कॉट में लेग का पोजिशन नॉर्मल पोजिशन में होता है लेकिन सूमो में थोड़ा सा वाइट अपार्ट रखते हैं हम लोग टोज आपको बाहर की तरफ रखना है एंड क्या करना है फुल डीप जाके स्कॉट परफॉर्म करना है एंड देन डायरेक्ट जम्प करना है क्या किया मैंने डीप जाके स्कॉट्स परफॉर्म किया देन डायरेक्ट जम्प किया और ये चीज आपको कंटिन्यू फास्ट मोशन में करना है किस तरीके से इस तरीके से स्कॉट्स डायरेक्ट जम्प स्कॉट्स डायरेक्ट जम्प स्कॉट्स डायरेक्ट जम्प डीप स्कॉट्स डायरेक्ट जम्प स्कॉट्स डायरेक्ट जम्प स्कॉट्स डायरेक्सम अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड डिसबैलेंस हो सके और अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए इस वर्कआउट को उनके लिए अल्टरनेटिव भी है क्या करना है आपको सुमो स्कोट्स वाले पोजीशन में आना है लाइक दिस नीचे जाके स्कॉट्स परफॉर्म करो आगे आके खड़े हो एंड देन जम्प कर लो क्या किया मैंने स्कॉट्स परफॉर्म करो खड़े हो जाओ देन जम्प कर लो स्क्ट्स परफॉर्म करो खड़े हो जाओ देन जम्प कर लो

रिसेंटली मैंने ये वाला वीडियो डाला हुआ है चैनल पे तो जाके इसको चेकआउट कर लेना ये आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देगा एंड थोड़ा सा इंटरटेनमेंट चाहिए तो मेरे ओमेगल वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो अगर मजा आया तो मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना यार फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ स्टे फिट स्टे हेल्थ लॉस ऑफ लव